हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस से मरने पर भारत सरकार ने जो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर भारत में किसी व्यक्ति का मौत कोरोना से होता है तो उसकी दाह संस्कार, जो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, दाह संस्कार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग ही रह सकता है। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि केवल 20 लोग ही रह सकता है एक दाह संस्कार में, अगर वो व्यक्ति कोरोना वायरस की वजह से मरता है और उसमें पॉजिटिव पाया जाता है और वो मर जाता है। तो हमारा समाज बहुत ही दोस्तों मिलनसार है और 20 लोग का रहना बहुत ही कम है। और अगर केस और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो इसे घटाकर कम भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक वायरस है और इसके पास जाने से दूसरे लोगों को भी ये वायरस हो सकता है। और एक बार हम में से कोई भी उस मरे हुए व्यक्ति को छूकर नहीं देख सकता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि पता है गवर्नमेंट को, आपको भी पता है कि अगर हम उसमें से किसी को भी टच कर देते हैं तो वो वायरस हम में भी आ जाएगा, चाहे वो जिंदा व्यक्ति हो या मरा हुआ हो। इसलिए ये गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा डिसीजन है दोस्तों कि दाह संस्कार के लिए केवल 20 लोग ही रहेंगे। तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।